आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा केंद्रीय समिति के द्वारा महाबैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानीय एवं नियोजन नीति विषयक विभिन्न मसले एवं भावी रणनीति पर चर्चा हुआ, जहां कर्मा उराव ने कहा कि हमारी लड़ाई पूरे झारखंड वासियों के लिए है, इसलिए सारे झारखंडी हमारे साथ खड़े रहें। देखिए, हमारा जब तक झारखंड के मसले समाधान नहीं हो जाएंगे, तब तक निरंतर लड़ाई चलती रहेगी। और यह जो आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का मोर्चा है, आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा, इसका आज बैठक हो रहा है और इसमें रणनीति तैयार हो रही है। और हम लोग को सरकार को मसविदा समर्पित करना चाहते हैं, जो भी सरकार हो, अच्छा या बुरा, उसके समक्ष हम लोग मसविदा देंगे कि आपका स्थानीय नीति नियोजन नीति इस स्वरूप में पूर्ण करना है, ये हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अब हमारी लड़ाई पूरे झारखंड में फैल चुका है। हम लोग का यह जो समय है, ये बौद्धिक नेतृत्व का समय है और बौद्धिक जमात इसको कर रही है, स्वस्थ नागरिक लोग कर रहे हैं, सामाजिक संगठन लोग कर रहे हैं। और अप्रैल और मई के मध्य में हम लोग की इच्छा है और निर्णय है कि हम लोग विराट रैली झारखंड में करेंगे, क्योंकि तब तक कोरोना हो सकता है नहीं जाए। सरकार जो प्रतिबंधन किया है कोविड के चलते, वो भी समाप्त हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन, तो हम लोग बड़ा करेंगे और सरकार को देखेंगे उसके बाजू में ताकत कितना है, जो झारखंड की धरती में स्थानीय और नियोजन नीति बहाल नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। और उन्हें निष्कर्ष अभी इतने हैं कि हमारा संघर्ष जारी है, हम सरकार को दस्तावेज समर्पित करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, झारखंड के धरती के लोगों के हित में काम करो, बाहरियों का दलाली बंद करो, ये पहला मैसेज है। और यहाँ जो ठोकर खा रहा है हमारा बेरोजगार शिक्षित युवा, और 2,44,000 पद वैकेंसी है और गलत सलत नियमावली बनाते हो और उसको कोर्ट रोक देता है, दुरुस्त बनाओ, स्थानीय और नियोजन नीति बनाओ और यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया चालू करो। और जो भी अधिकारी हैं बाहर के लोग, जैसे JCC का अध्यक्ष और JPC अध्यक्ष, उससे रिक्वेस्ट करो रिजाइन दे और भाग जावे। और यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से भी हम लोग ऐलान करना चाहते हैं, कोई भी बाहर का आदमी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, और जो अध्यक्ष होगा उसको कभी भी वोट 2024 में नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।